Welcome to my class. Today we will discuss your SST book, Me and My World, class 3rd, subject SST, chapter number 3, The Earth's Neighbors. Earth क्या होती है हमारी धरती, neighbors क्या होते हैं पड़ोसी. तो हमारा chapter है The Earth's Neighbors, हमारी धरती के पड़ोसी. तो आज हम इस chapter में इसके बारे में हम discuss करेंगे. तो कौन कौन से हमारी अर्थ के नेबर्स हैं? सन, मून एंड स्टार्स. सन क्या है? बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस. मून नेचुरल सैटेलाइट है. स्टार्स क्या है? दे आर एक्चुअली बिग हेवनली बॉडीज. नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. अवर अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. ऑल द 8 प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. जो हमारी अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर मूव करते हैं. द हेवनली बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स एंड द अदर प्लैनेट्स आर अर्थ्स नेबर्स. तो जो आकाशीय पिंड है जैसे सन हो गया, मून हो गया और स्टार्स हैं, ये सारे प्लैनेट्स क्या हैं? अर्थ के नेबर्स हैं. अर्थ के मीन्स पड़ोसी हैं. फर्स्ट हम रीड करेंगे सन के बारे में. सन, द सन इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई. जो सन है हमारा वो आसमान में एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है. इट ब्राइटन्स अप द स्काई फ्रॉम डॉन टिल डस्क. डॉन टिल डस्क का मीन्स होता है कि सुबह की पहले सीन से लेकर शाम के लास्ट सीन तक जो हमारा सन है वो हमारे दिन को ब्राइट करता है, मतलब दिन में रोशनी देता है हमें. इट इज़ अ बिग बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. तो ये बहुत गर्म गैसों का एक बड़ा बॉल है. इट इज मच बिगर देन द अर्थ. ये हमारी धरती से बहुत ज्यादा बड़ा है. इट लुक्स स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. और ये हमें छोटा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है. द सन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. जो हमारा सन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. जो हम धरती पर अपना जीवन है जो व्यतीत कर रहे हैं उसमें ये सन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है. इट कीप्स द अर्थ वार्म विद इट्स हीट. जो सन है उसकी हीट के कारण ही जो हमारी धरती है वो गर्म रहती है, हमें रोशनी भी उसी से मिलती है. इट गिव्स ऑफ लाइट. वी यूज दिस लाइट टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड. तो इसकी लाइट के हेल्प से ही अपने चारों ओर का जो कलरफुल वर्ल्ड है उसको हम देख सकते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सन के सनलाइट में की प्रेजेंस में ही अपना खाना बना सकते हैं. अगर सन की सनलाइट उनको नहीं मिलेगी तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. द सन इज अर्थ्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. द डायरेक्ट एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो हमारा सन है धरती पर मेन सोर्स है एनर्जी का, ऊर्जा का जो मेन सोर्स है. और जो डायरेक्टली हम सन से ऊर्जा लेते हैं तो उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं. वी यूज दिस एनर्जी टू कुक फूड, रन व्हीकल्स एंड लाइट अप द बल्ब्स एंड ट्यूब्स. तो जो हम सन से एनर्जी लेते हैं उसके द्वारा हम फूड कुक करते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं और बल्ब और ट्यूब्स भी चला सकते हैं. नेक्स्ट है मून. इन द इवनिंग आफ्टर द सनसेट द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट विजिबल इन द स्काई इज द मून. जब शाम हो जाती है तो हम एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं स्काई में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मून. इन साइज द मून लुक्स सिमिलर टू द सन बट इट इज नॉट सो. जैसे हमें ऐसा ही लगता है जैसे कि सन की तरह ही मून है, उसका साइज भी हमें वैसा ही लगता है लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा नहीं है. द मून इज मच स्मॉलर देन द सन. जो मून है वो सन से बहुत छोटा है. इनफैक्ट इट इज स्मॉलर देन द अर्थ ऑल्सो. हालांकि ये धरती से भी बहुत ज्यादा छोटा है. इट सीम्स बिग फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ. ये हमारी धरती से हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी धरती के सबसे नजदीक है. मून इज अर्थ ओनली नेचुरल साइट. मून ही एक ऐसा है जो हमारी धरती पर का नेचुरल सैटेलाइट है. और नेचुरल सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट. तो जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो क्या होता है? एक हेवनली बॉडी होती है, आकाशीय पिंड होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है. वी सी द मून शाइनिंग एट नाइट. हम रात को चमकता हुआ मून देखते हैं. बट इट डज नॉट शाइन विद इट्स ओन लाइट. लेकिन ये अपनी लाइट से नहीं चमकता. इट शाइन्स बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. जब सन सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो उस रोशनी की मदद से ये जो हमारा मून है वो चमकता है.
लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर. तो मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां एयर और वाटर नहीं है. इन 2009 चंद्रयान 1 सैटेलाइट डिस्कवर्ड आइस एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून. 2009 में चंद्रयान 1 सैटेलाइट वहां पर डिस्कवर किया था, लेकिन उसने हमें कौन सी तस्वीरें भेजी थी वहां पर? आइस और वाटर की. स्टिल लाइफ इज नॉट पॉसिबल देयर बिकॉज देयर इज नो एयर टू ब्रीथ. अभी भी लेकिन वहां पर जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि वहां ब्रीदिंग के लिए एयर नहीं है. नेक्स्ट स्टार्स. वी सी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द नाइट स्काई. तो रात में हम बहुत से तारे चमकते हुए देखते हैं आकाश में. दीज टाइनी स्टार्स आर एक्चुअली बिग वेरी बिग हेवनली बॉडीज. लेकिन रियलिटी में वो क्या है? बहुत बड़े बिग हेवनली बॉडीज हैं, बड़े बड़े आकाशीय पिंड हैं. दे आर मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस. तो वो बहुत ज्यादा हॉट गैसेस से बने हुए हैं, गर्म गैसेस से बने हुए हैं. दे शाइन विद देयर ओन लाइट. तो वो अपनी ही लाइट के साथ चमकते हैं. जैसे मून है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सन से रोशनी लेकर चमकता है. लेकिन जो स्टार्स हैं वो अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं. सिंस दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ दे लुक सो स्मॉल. लेकिन वो हमारी धरती से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण हमें हमारी धरती से बहुत ज्यादा छोटे छोटे दिखाई देते हैं. आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार. हमारा सन भी क्या है? एक स्टार है. बट सिंस इट इज नियरर टू अस देन ऑल द अदर स्टार इट लुक्स बिग. तो ये दूसरे स्टार्स की वजह से हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, इसलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है. अ वेरी ब्राइट स्टार दैट वी सी इन द स्काई एट नाइट इज द पोल स्टार. तो हम एक बहुत ज्यादा चमकता हुआ स्टार देखते हैं रात को स्काई में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार. वी कैन सी इट इन द नॉर्थर्न डायरेक्शन. हम इसे किस डायरेक्शन में देख सकते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो